दिल्ली के बदरपुर इलाके के इस घर में काम करने वाले नौकर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी और घर की बहू को भी घायल कर फरार हो गए। ऊपर वो सो रहा था, ऊपर उसे आवाज गई खटखट की गिरने की, तो ऊपर से उसकी बहू ने उसे उठाया कि जाके देखो नीचे कुछ हुआ है, आवाज सी आई है कुछ कटने की, गिरने की आवाज आई है, कुछ गिरा है। वो ऊपर आया तो उसने देखा कुंडी बंद जीने की, उसने हाथ डाल के कुंडी खोली, कुंडी खोल के जब नीचे आया तो उसकी मम्मी को, वो तो बाबा तो मरे पड़े, गला कटा पड़ा था, उसकी मम्मी के ऊपर तीन लड़के चढ़े हुए थे, गला हावी हुए पड़े थे, गला दबा रहे थे उसका। ये देखा उसने जो हटाया तो उस लड़के पे भी दो चार हाथ मारे उसने, उन्होंने तो जैसा उसको छोड़ के भागे तो उसने पकड़ा लड़के ने, तो जैकेट हाथ में आ गई, वो भाग देती है। बताया जा रहा है कि जिस नौकर ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया उसे एक महीने पहले ही परिवार ने नौकरी पर रखा था। घर पर बुजुर्ग चंद्रमान को अकेला पाकर उसने लूट का प्लान बनाया। हालांकि घर की बहू के अचानक मौके पर पहुंचने की वजह से नौकर और उसके साथी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। ये एक तो दलदल के पास काम करता था, उनकी सेवा करता था, दो पता नहीं कौन, इन्होंने शक्ल भी नहीं देखी। अच्छा, घर में कोई लूटपाट भी नहीं? लूटपाट का भी कुछ पता नहीं, नीचे तो कुछ था नहीं, ऊपर मेरे ख्याल में वो गए नहीं थे। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने लूटपाट की आशंका के चलते हत्या का शक जताया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।